हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन लॉक करने हैं तो कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन दो तरीके से लॉक कर सकते हैं। वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। बहुत से ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको लॉक करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करने हैं। तो चलिए कैसे करने हैं, तो आपको पहला ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप लॉक करने के लिए। फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, आप सेटिंग में जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। जब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको अपने फ़ोन में एक ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ मिल जाएगा आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर जाएंगे। इस पर आप यहाँ से कोई भी पासवर्ड अपने फ़ोन के अंदर सेट कर लेंगे। यहाँ आपको 6 डिजिट का पासवर्ड देखो मिल जाता है। अगर आप इसे 4 डिजिट का करना है या पैटर्न लगाना है आपको यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको मिल जाते हैं पैटर्न या 4 डिजिट, तो इसे हम 4 डिजिट में सेट कर देंगे। और यहाँ से आप कोई भी सेट कर लेंगे 4 डिजिट में, यहाँ से हम सेट कर देते हैं। एक बार इसे आप यहाँ से करेंगे वेरीफाई, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये पूछता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, दो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है ताकि आपने जो पासवर्ड सेट किया इन फ्यूचर आप उससे भूल जाते हैं, तो इन क्वेश्चन की मदद से आप इसे रिकवर कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछता है वार्ड बाजता है एलिमेंट्री और स्कूल का नाम पूछता है। अपने स्कूल का नाम दे देंगे आप यहाँ से, जो भी अपने स्कूल का नाम होगा तो यहाँ से अपने स्कूल का नाम इसमें इंटर कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है वार्ड बाजता अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछता है। यहाँ से अपने फ्रेंड का नाम या अपना नाम कुछ भी नाम आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से अपना कोई भी नाम आप यहाँ से इंटर कर देंगे और इसे कर देंगे डन। डन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ मिल जाते हैं आपको ऐप इंक्रिप्शन, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपके फ़ोन के अंदर सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं, जो भी आपको लॉक करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको गैलरी और अमेजोन दो एप्लीकेशन लॉक करके बता देते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं, चेक करा देते हैं हमने जो लॉक किए वो हमारे लॉक हुए या नहीं हुए। अमेजोन हमने लॉक किया जो कि हमारा लॉक हो चुका है। सेकंड हमने गैलरी अपनी लॉक की थी, गैलरी भी हमारी लॉक हो चुकी है। अब सेकंड ऑप्शन और मिल जाता है आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप लॉक करने के लिए। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलता है, वो एप्लीकेशन का नाम है आई मैनेजर, जो कि आपके फ़ोन के साथ आता है। सबसे पहले आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। इस प्रकार का जब इंटरफेस मिल जाता है तो सामने इसका ऑप्शन मिल जाता है यूटिलिटी बॉक्स, इस पर जाएंगे आप। इस पर जाने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाता है ऐप इंक्रिप्शन। सिंपली आप इस पे जाएंगे ऐप इंक्रिप्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे और आपने जो पासवर्ड हमारा सेट किया था सेम पासवर्ड आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। आपने पहले अगर सेट कर लिया तो वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको वही ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, यहाँ से अपने ऐप लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।